नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ईश्वर गुजराती सभी का स्वागत करता हूँ। तो टॉपिक चल रहा है अपना लाभानी, जीवन का नाम है साथियों मारुति मैथ्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य पता कीजिए। तो क्रय मूल्य पता करना है हमें, ठीक है। क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, 609.60 देखो 25%, यानी कि 25% हानि की, यानी 100% से 25% की हानि, तो कहाँ गए 75%, 75% पे, ठीक है। तो हमें हानि वस्तु का क्रय मूल्य पता करना है, तो क्रय मूल्य क्या है अपना 100% होता है, 100 ऊपर रखेंगे बटे में 75 रखेंगे, ठीक है। इधर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे 2, ये 100 से ये 100 काट देंगे। अब देखो 5 से 5 एकम 5, 55 25, 15 बार कटा, और 5 से 5 एकम 5 बची कितनी 1, 5 से 15, 5 9 43, 5 2 10। तो 15 से काटते हैं, इसे 15 से काटेंगे 15 9 133 कितने होते 15 133, और बची कितनी 4, 15 2 30, 30 पॉइंट कितने 15 8 120, यानी कि ये 52.8 अपना राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अपना 9 92.8 ये राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि कहीं होता है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पता कीजिए। एक व्यक्ति एक किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20% का क्या होता है लाभ होता है। तो लाभ होता है 20% का लाभ होता है 100 रुपये में बेचने पर, 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत पता करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, कि वस्तु है 100 रुपये में बेचने पर, इन्हें बेची कितने में उसे 100 रुपये में, ठीक है, तो उससे कितने 20% का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत पता कीजिए। तो 20% का लाभ, ठीक है, तो ये 20% 120 बटे में 100 रख दिए, 100 से 100 काट देंगे, तो आए क्या अपना 20% का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि 20% क्या होगा लाभ, तो ये तो अपने क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर देखो परसेंट नहीं है, क्वेश्चन में चेंज है, यहाँ पर अपने क्वेश्चन को
गलत लिख दिया, ठीक है। 20 देखो रुपए है यहाँ पर, ठीक है, परसेंट नहीं है, रुपए है। तो यहाँ पर किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत पता कीजिए। तभी तो बोलूं प्रतिशत दिया रखा है, वो प्रतिशत पता कीजिए। तो देखो 100 रुपए में बेची और 20 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये 100 रुपए हैं मैं बेच दी, यानी कि ये कौन सा मूल्य, अपना विक्रय मूल्य, और ये अपना लाभ है। तो हमें क्या पता करना है, क्रय मूल्य पता करना है, ये क्रय मूल्य पता करना, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, इस देखो ये लाभ इस विक्रय मूल्य में से घटा लेते हैं। तो ये देखो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आया, 80 क्या अपना है, ये क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य हमेशा लाभ हानि काय के ऊपर देखती है, देखा जाता है, तो क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। 20 का लाभ किसके ऊपर, 80 के ऊपर, इंटू बटे में 100। 20 से ये कितनी बार, 4 बार, 4 से तो 25% क्या होगा, लाभ होगा। ये अपना राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें आंसर अपना 25% का लाभ होगा, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है, लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य बता दीजिए। मैं एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु के 1754 में बेच कर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितने 1452 में। एक वस्तु को, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपए में, 54 रुपए में बेचने पर उतना बेचने पर बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी कि उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। तो देखो दोनों